हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट एपीबी एपीबी। ये जो मैंने रेड कलर का शेड कर रखा है, ये मुझे एरिया बताना है मेजर सेगमेंट का। सर्कल ऑफ अ रेडियस 35 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दे रखे 35 सेंटीमीटर। एओबी हमें दे रखा 90 डिग्री का एंगल। पाई की वैल्यू में 22/7 यूज़ करके इस शेड रीजन का एरिया बताना है, यानी कि मेजर सेगमेंट का। तो इसको एरिया निकालने का तरीका ये होगा कि पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, नीचे का जो माइनस सेगमेंट है इस माइनस सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो मेरा एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ एरिया ए पी बी मेजर सेगमेंट। ठीक, तो जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरे सर्कल का एरिया निकाला जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ए बी के नीचे का एरिया आ रहा है, एरिया माइनर सेगमेंट। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उस जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ, पूरे सर्कल में से मैंने माइनस सेगमेंट यानी इसको माइनस करना है, तो मेरा मेजर का एरिया आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा मुझे 35, इसको लिख देंगे 2 बार क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, आर की जगह 35 × 35। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा में दे रखा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल करेंगे, 7 × 5 = 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 × 35, 35 का 35 रहने दिया मैंने, 9 × 4 = 36, 2 × 2 = 4 = 11, 7 × 2 = 14, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आगे मेरा एजट इज़ 1/2, 110 × 35, 35 × 35, दोनों का एलसीएम लिया कितना है 14, 14 में 14 का डिवाइड दिया 1 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ 11, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, जो कैंसिल और जो कैंसिल करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, इनको फिलहाल मैंने एजट इज़ उतार दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 175, 11 में 7 माइनस किया ये आया मेरा 4 / 2, 2 × 2 = 4, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 35 के साथ 3850, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 350, 3850 में से माइनस किया 350 तो मेरा आ गया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ स्टूडेंट मेरे ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट किया हुआ है, बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट, इस माइनस सेगमेंट का एरिया बताना है। देखो, इसको सॉल्व करने के मैं आपको 2 मैथड बताऊँगा, आपको जो सूटेबल लगे जो अच्छा लगे कर लेना। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड थोड़ा आसान होगा, सेकंड मेथड उसमें उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस सेगमेंट, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन माइनस सेगमेंट का एरिया निकाला था पूरे सर्कल में से, इसे माइनस किया था, इस बार यहाँ पे सिर्फ माइनस सेगमेंट का एरिया ही निकालना है। तो यहाँ पे आर दे रखा मुझे 14 सेंटीमीटर और जो मुझे एंगल मेंशन कर रखा वो दे रखा 120 डिग्री। एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14 × 14, 2 बार लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा में दे रखा 120 डिग्री, 120 अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन, एंगल की जगह दे रखा हमें 120 डिग्री, 14 × 14, इनको एज इट इज रहने दिया, 12 × 36 = 3, 22 × 7 = 21। अब साइन 120 डिग्री को हम कैसे ले सकते हैं,
साइन 120 को ले सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। देखो ये जो रूल लगेगा वैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंगली साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्वाड्रेंट रूल होता है जिसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है जो कि पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड को आपको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा। तो 14 × 14 22/21, तो इसको हम क्या लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। 14 × 14 22/21, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। करने के बाद 14 × 14 22/21 अंडर रूट 3 की वैल्यू में दे रखी है 1.73, 2 × 2 = 4। करने के बाद 14 × 14 196 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया कितना है 84, क्रॉस मल्टीप्लाई 22 × 4 = 88, 21 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई किया है 36.73। करने के बाद अब दोनों 14 की टेबल से कट रहे हैं, 14 में इसका डिवाइड दिया 14 आया, 14 × 6 = 84, अभी भी दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है 7 आया, 3 आया, तो यहाँ बच गया 7, इसमें से इसको माइनस किया तो यह 51.67 डिवाइड बाय 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 361.69/3। अब डिवाइड देंगे इसमें 3 का, तो डिवाइड देने पे आएगा 120.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अप्रॉक्स आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि डेसिमल की बार को नॉर्मली क्वेश्चन चलता जा रहा आगे। ठीक है, तो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी करके दिखाता हूँ। सेकंड मेथड इसका अगले पेज पे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बेस और हाइट की। हमें ना बेस दे रखा ना हाइट दे रखी है, बट ये एंगल दे रखा 120 डिग्री का। तो एंगल की हेल्प से मैं इस कॉर्ड पर एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ जो कि इस कॉर्ड को क्या करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड करती है, मतलब जितना मेरा AD होगा उतना ही मेरा BD होगा। OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, जिसकी वजह से जितना मेरा AD होगा उतना मेरा BD होगा, साथ ही साथ एंगल ADO एंगल BDO दोनों कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के होंगे। अभी पूरा मेरा एंगल कितने डिग्री का था 120 का, तो ये कितना हो जाएगा 60 का, और ये कितना हो जाएगा 60 का। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, इस एंगल को बेस पे ले आता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होना चाहिए। D मेरा 90 डिग्री और A मेरा ऊपर चला जाएगा। AO हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की वन हम AD भी निकाल लेंगे और OD भी निकाल लेंगे। पैटर्न पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा का एंड टेन थीटा का। मुझे फ़िलहाल के लिए AD निकालना है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOD, AD निकालना है, और गिवन कौन है मेरे पास AO। अब AD मेरा कौन है परपेंडिकुलर, और AO मेरा कौन है हाइपोटेन्यूज, यानी P/H। P/H किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, थीटा कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। AD निकालना है, AO 14 दे रखा है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2। AD को यहीं रहने दिया, 14 को ऊपर ले गया, 14 √3/2 AD AD इज इक्वल टू आया मेरा 7 √3। AD निकल गया, आ गया। AD के बाद निकालेंगे OD, OD गिवन है, OD निकालना, और AO क्या मेरे पास गिवन है। अब OD मेरा है बेस और AO मेरा हाइपोटेन्यूज, B/H किसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस 60 डिग्री, बेस OD, AO 14। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। OD को यहीं रहने दिया, ऊपर चला गया, डिवाइड दे कितना है 7 सेंटीमीटर, जितना मेरा OD आ गया। AD निकाल चुका हूँ, AD जितना होगा उतना BD होगा 7√3,
मुझे चाहिए ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा 7√3 + 7√3, तो ये जाएगा 14√3। और ओ डी मेरे आ चुका है 7 सेंटीमीटर, ओ डी मेरी हाइट थी और मेरा बेस कितना था ए बी 14√3। अब मुझे चाहिए एरिया माइनर सेगमेंट, तो पहले मैं निकालूंगा इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया क्वाड्रेंट ओ ए बी, और माइनस कर दूंगा एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्वाड्रेंट नहीं होगा ये मेरा सेक्टर होगा। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ए ओ बी का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा यहाँ पे दे रखा 120 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर में दे रखा था 14 × 14 बेस, बेस हमारा कितना है 14√3, हाइट हाइट हमारी कितनी आई 7, 12 × 36 7 × 2 = 14, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, 22 × 44 × 14 अपौन में 3, 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49 √3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 अपॉन में 3, 49 √3 की वैल्यू में गिवन थी 1.73, 616 में डिवाइड देंगे 3 का तो ये आ जाएगा 205.33। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 84.77। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे वाले में मेरा यही आंसर आया था, इसमें भी मेरा यही आंसर आया है, ठीक है। और इसी के साथ मेरा मेथड 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।